हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार में फिलहाल छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 1 सितंबर को अपबंधित मेरिट लिस्ट को NIC के वेबसाइट पे अपलोड करना था, ताकि अभ्यर्थी उस मेरिट लिस्ट को देखें और अगर उनका कुछ भी गलत हुआ है तो आज से आपत्ति दर्ज करना था 2 सितंबर से। लेकिन नियोजन इकाइयों ने एक्सेल शीट में नहीं भेजी आवेदन। छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में आए आवेदनों को एक्सेल शीट में तैयार नहीं करने से अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। यह मुजफ्फरपुर का न्यूज़पेपर है, मुजफ्फरपुर की बात हो रही है कि नहीं एक्सेल शीट में तैयार किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों की परेशानी जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। निर्धारित फॉर्मेट में आवेदनों की जानकारी नहीं देने से उसे NIC के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका है। विभागीय निर्देशों के तहत विषयवार आवेदनों को एक्सेल शीट में तैयार कर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में शिक्षक नियोजन को सांग में उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। 1-2 को छोड़कर बाकी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। तो 1-2 जगह का आया था, मैं शेयर भी करी थी आप लोगों से। तो 1-2 जगह का छोड़कर बाकी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है, जबकि बहुत सारे नियोजन इकाई है, प्रखंड नियोजन इकाई से लेकर पंचायत नियोजन इकाई तक, और सभी को NIC के वेबसाइट पे डालना है, तभी लोग आपत्ति कर पाते। लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं है वहाँ पे डाला पाया है, तो जिससे अभ्यर्थी की परेशानी बढ़ गई है, आज से आपत्ति करना था। तो चलिए, यही एक छोटा सा अपडेट था बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित। तो आगे जो भी अपडेट आता है शिक्षक नियोजन से संबंधित या शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, तो उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।